Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome to the session of PIB 24/7. मैं हूं मनीष मिश्रा and guys in today's session we are going to discuss about Africa and Africa बारे में क्या discuss करेंगे हम. So Africa को recently declare कर दिया गया है as the wild polio free continent. ठीक है, Africa के अंदर अब बिल्कुल wild polio खत्म हो चुका है. इसके अलावा we are going to discuss about nationally determined contributions that is related to the Paris Agreement. ये Paris Agreement से related है तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. So do watch the complete session and spread the knowledge. तो चलिए स्टार्ट करते हैं with the very first news of Africa which has been declared free from the wild polio by an independent body that is the Africa Regional Certification Commission. Question is what is not correct statement with respect to the polio virus. polio virus के respect में या उसके जो फैलने के रिस्पेक्ट में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. ऑलराइट, सो रिसेंटली गाइज अफ्रीका डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो दैट वाज अनाउंस्ड बाय द अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन एंड ऑल्सो इसको WHO ने भी सर्टिफाई कर दिया है. एंड इसके अलावा अफ्रीका में अब वाइल्ड पोलियो बिल्कुल खत्म हो चुका है. अब कौन सा बचा है? केवल वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो. जो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो होता है वो केवल अफ्रीका में बचा है ना. आई होप आपको इन दोनों पोलियो का डिफरेंस पता होगा. सो गाइज वाइल्ड पोलियो वो पोलियो होता है जिसका वायरस नेचर में एग्जिस्ट करता है. ऑलराइट, जिसका वायरस नेचर में एग्जिस्ट करता है. एंड इसके अलावा जो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो होता है इसका मतलब होता है कि जब हम किसी बच्चे को या किसी पेशेंट को या किसी भी इंसान को किसी भी सिटीजन को जब हम वैक्सीनेटेड करते हैं अगेंस्ट द पोलियो तो वो जो वैक्सीनेशन होती है उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही लेस अमाउंट में जो पोलियो का वायरस प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब मान लो कि कोई एक पर्सन है एक्स, उसको पोलियो का वैक्सीन दिया गया. ऑलराइट, अब इसको जब हम पोलियो का वैक्सीन देंगे तो क्या होगा, बहुत वेरी लाइट स्ट्रेन ऑफ वायरस पोलियो का जो वायरस होगा उसको इसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा ताकि जो इस एक्स पर्सन का इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड कर सके. ठीक है, इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड कर सके अगेंस्ट दैट वायरस और उसके अंदर जो है एंटीबॉडी डेवलप हो जाए ताकि इन फ्यूचर अगर पोलियो वायरस यानी कि वाइल्ड पोलियो वायरस जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है अगर उसकी बॉडी को अटैक करेगा देन वो एंटीबॉडीज उसको खत्म कर देंगे. ऑलराइट, सो ये हमारा पूरा का पूरा वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल होता है. आप लोगों ने जरूर 9th क्लास में पढ़ा होगा. राइट, अब जो ये पोलियो डिराइव्ड वैक्सीन है, मान लो कि ये जो पर्सन एक्स है ये एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे सैनिटाइजेशन बहुत ज्यादा पुअर है. ऑलराइट, जहाँ पे सैनिटाइजेशन बहुत ज्यादा पुअर है. बट सो क्योंकि इसके अंदर क्या है, पोलियो वायरस इंसर्ट किया गया है, भले ही लाइट स्ट्रेन में किया गया हो लेकिन ये अभी भी फैलाने का मतलब ये अभी भी कंटेजियस है. इसके थ्रू जो पोलियो वैक्सीन है वो फैल सकती है. तो अगर वो पुअर सैनिटाइजेशन के एरिया में रहता है तो उससे होगा क्या कि इस एक्स पर्सन से वाई पर्सन को जा सकता है, वाई से जेड को जा सकता है और इस तरीके से ये पूरी उस रीजन में स्प्रेड हो सकता है. राइट, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड पोलियो एंड द वैक्सीनेटेड डिराइव्ड पोलियो. आई होप आपको डिफरेंस क्लियर है. सो अफ्रीका में वाइल्ड पोलियो खत्म हो गया है, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो अभी भी बाकी है. एंड किसी भी रीजन को हम वाइल्ड पोलियो फ्री गाइस तब कहते हैं जब पिछले 3 सालों में वहां पे कोई भी वाइल्ड पोलियो का केस ना हो. And within the Africa, Nigeria was the last country to be declared free from this wild polio. Okay, और लेकिन अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो कि हमारे दो नेबरिंग कंट्रीज हैं, दोनों के अंदर वाइल्ड पोलियो अभी भी प्रेजेंट है. राइट, एंड अगर हम वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस की बात करें तो मैंने आपको बता दिया दैट इट इज अ स्ट्रेन ऑफ द वीकेंड पोलियो वायरस दैट वाज इनिशियली इंक्लूडेड इन OPV एंड दैट हैज चेंज ओवर टाइम एंड बिहेव्स मोर लाइक द वाइल्ड और नेचुरली अकरिंग वायरस. This means it can spread more easily to people who are unvaccinated against polio and who come in contact with the stool or respiratory secretions. And this virus can also cause illness, including paralysis. Okay, so ये vaccine-derived polio virus है and ये जो difference होता है wild polio और vaccine-derived polio का that I have explained already. Okay, so now let's move on to the question. So the question is, what is not correct statement with respect to the polio virus? So Ethiopia is the last African country. No, guys, last country is Nigeria. Right, and a region is certified as free of wild polio after 5 years have passed. No, it is 3 years. केवल 3 साल है ये. And India is declared polio free on 27th March 2015. No, guys, India was declared polio free on in the year 2014. So 2015 गलत है. So therefore the correct answer should be what? All are incorrect. Okay, सारे के सारे जो statement है ये incorrect है. And I hope आपको ये पता होगा that Karl Landsteiner and इसके अलावा एक scientist थे Erwin Popper. एरविन पॉपर, इन दोनों ने मिलकर पोलियो के वायरस को आइडेंटिफाई किया था. राइट, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया जिसका इंडिया कॉम्पोनेंट लॉन्च किया है नीति आयोग ने. सो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आर बेस्ड ऑन दिस न्यूज. So before moving to the news, let us first discuss about the Paris Agreement and Nationally Determined Contribution. So Paris Agreement guys एक agreement है जो कि 2015 में हुआ था to deal with the climate change and its negative effects. Climate change में क्या क्या changes आ रहे हैं, उसके क्या negative impact हो सकता है हमारे लाइफ पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारे एनवायरमेंट में, उस सभी से डील करने के लिए इन द ईयर 2015 दिस एग्रीमेंट वाज साइंड. एंड दिस एग्रीमेंट एम्स टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ताकि जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर राइज है इन दिस सेंचुरी वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम रहे बिलो द प्री इंडस्ट्रियल लेवल. एंड अलॉन्ग विद दिस अ टारगेट हैज बीन सेट टू कीप द टेम्परेचर राइज फर्दर 1.5 डिग्री सेल्सियस. एंड दिस एग्रीमेंट प्रोवाइड्स अ वे गाइज कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो डेवलपिंग नेशंस की मदद कर सके इन रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. लाइक इंडिया जैसी कंट्रीज की मदद की जा सकती है बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, ताकि वो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस कर सकें. राइट. एंड इंडिया ने इसको अप्रैल 2016 में साइन कर दिया था पेरिस एग्रीमेंट को. एंड इंडिया का जो टारगेट है दैट इज टू reduce the emissions by 33 to 35% by the year 2030 as compared to the level of 2005. ये आपको याद रखना है, this is very important fact. And अगर आप NDC की बात करें यानी कि nationally determined contributions की बात करें, so these are the very important part of the Paris Agreement and achievement of these long-term goals. Basically ये होते क्या है, ये these are the national climate plans highlighting climate actions like climate-related targets, policies and measures that governments aim to implement in response to the climate change. Various governments जो हैं वो in future climate changes से related क्या क्या actions लेगी, क्या क्या उनके policies होंगे, क्या क्या measures लिए जाएंगे by the government. So उन सभी चीज़ों की detail होती है in the nationally determined contributions. Okay. And अभी तक 192 countries ऐसी हैं जिन्होंने NDC submit कर दिया है, जो कि 96% of the global greenhouse gas emissions. And India committed to achieve about 40% cumulative electric power installed capacity from the non-fossil fuel energy resources by the year 2030 in its NDC. India ने बोला है कि that it will achieve about 40% cumulative electric power installed capacity कहाँ से, from the non-fossil fuel energy resources, कब तक, 2030 तक. Okay. So guys, I hope आपको Paris Agreement और ये जो nationally determined contributions है इसका basic clear है. And now let's move on to the news. So recently guys, Niti Aayog has launched the India component of the Nationally Determined Contributions Transport Initiative for Asia, which aims to promote decarbonizing transportation in India, Vietnam and China. भारत, वियतनाम और चाइना में ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो कार्बोनाइजेशन है उसको खत्म करना ही इसका एम है. और इस प्रोग्राम का नाम है गाइज ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया. ओके. एंड इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम सपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव ऑफ द जर्मन मिनिस्ट्री फॉर द एनवायरमेंट, नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी. राइट. एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये टोटल 7 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि इसको मिलके इम्प्लीमेंट करने का काम करिए. बट आपको सारी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दैट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग विल बी द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर. राइट. और 4 साल का इसका प्रोग्राम है. एंड दिस प्रोग्राम विल अलाउ इंडिया एंड अदर पार्टनर कंट्रीज टू अचीव लॉन्ग टर्म टारगेट्स ऑफ द एनडीसीज ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. And it will also help increasing their ambition in the transport sector of the 2025 NDCs, right? And इसमें जो focus होगा basically वो greenhouse gas की जो emissions है उसको कम करने पे होगा. and transport modeling capacities, ताकि हमारा जो transportation system हो वो इस तरीके का हो कि minimum greenhouse gas emissions हो सके. and providing technical support on greenhouse gas emission reduction measures, financing climate actions in transport, and offering policy recommendations on electric vehicle demand and supply policies. जितनी भी electrical vehicles है आप सबने सुना होगा that electric vehicles पे काफी सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही है under the फेम इंडिया प्रोग्राम. आप सबने फेम इंडिया का नाम जरूर सुना होगा. अभी phase 2 भी लॉन्च कर दिया गया है इसका, जिसके अंदर काफी सारी सब्सिडीज प्रोवाइड कराई जाती हैं ऑन परचेजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. और ये सबका सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम किया जा सके और जो भी पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स हैं उनको पूरा किया जा सके. So this program guys will help to promote electric mobility in India and it will also support the development of policies and regulations to promote electric vehicle charging infrastructure. Okay. And what is the need for this kind of initiative? So obviously it has the world's 2nd largest road network which contributes to maximum greenhouse gas emission. India के अंदर जो road network है बहुत ज़्यादा vast है, जिसमें से obviously अगर road network इतना ज़्यादा vast होगा तो greenhouse gas emissions बहुत ज़्यादा होने वाली है. और क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है तो नंबर ऑफ सेल्स ऑफ व्हीकल भी बढ़ती चली जाएगी. और ऐसा अनुमान है that by their 2030 जो total number of vehicles हैं आज के हिसाब से वो हो जाएंगे double, okay? And the transition to a decarbonization path for the transportation sector is essential to achieve the goals of the Paris Climate Agreement. जो अगर हमें Paris Climate Agreements के target को achieve करना है, उसके goals को achieve करना है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा बहुत help करेगा ये वाला initiative in decarbonizing the transport sector, okay? So guys, I hope आपको ये news clear है. Now let's move on to question number 2, 3 and 4. So the question is, which aims to promote a comprehensive approach in which countries? Okay, so the question is in which countries? So guys, this program has been launched in India, Vietnam and China. So option A is absolutely correct answer, 1, 2 and 3. And question number 3 is, consider the India component of the Nationally Determined Contributions TIA which is not the focus area of the move. कौन सा focus area नहीं है? So strengthening greenhouse gas emissions and transport modeling capacities, yes, this is one of the focus area. Providing technical support on GHG emission reduction measures, yes. Financing climate actions in support. Offering policy recommendations on electric vehicle demands and policy. So ये सारे के सारे guys focus हैं. All are correct should be the correct answer. मतलब actually यहाँ पे option होना चाहिए all are the focus. Right, all are the focus. So option E will be the correct answer. And question number 4 is, consider the following statement with respect to Paris Agreement and pick out the incorrect one. Paris Agreement से भी आपसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एंड ये ESI के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और पेरिस एग्रीमेंट से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे उसके लिए उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स हो या ना हो. सो आपको पेरिस एग्रीमेंट एज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा अच्छे से करके जाना है. सो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है. सो इट इज एन important environmental agreement adopted by almost every country in 2015. This is absolutely correct. It aims to reduce greenhouse gas emissions. Its target is to keep the global temperature rise in this century at 2 degrees Celsius. India formally signed in 2016. So all are correct. So हमारा जो option ही है, that should be the correct answer. So NDC is a performance report of the countries. No guys, it is not the performance report. इसमें basically जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिए जाएंगे इन फ्यूचर, गवर्नमेंट एक्शंस, गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स, ये सभी चीजें होती हैं. सो ऑप्शन ई इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पेरिस एग्रीमेंट. ऑलराइट, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. सो इन अगस्त 2020 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT व्हिच इज हेडेड बाय मिस्टर रवि शंकर प्रसाद, हिज लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इज पटना साहिब. पटना साहिब, अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद ने किनको हराया था? राइट डाउन इन द कमेंट्स. It is quite difficult question, but write down in the comments. लिखते हैं किन किन को पता है. So Ministry of Electronics and IT has launched the Next Generation Startup Challenge contest to further boost the startups and software product with special focus on Tier 2 towns of India. So we have to tell the name of the test. So एक test launch किया गया है जो कि एक startup challenge contest है basically. तो हमें ये बताना है कि उस contest का नाम क्या है, right? So the name of the contest guys is Chunauti, which is a Next Generation Startup Challenge contest which has been launched to further boost up the startups and software products with special focus on the Tier 2 towns of India. Okay, और इसके अंदर जो 300 startups हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कि अलग अलग एरियाज में काम करते हैं, और उनको सीड फंडिंग दी जाएगी अप टू ₹25 लाख. अंडर दिस चैलेंज कॉन्टेस्ट 300 startups will be identified and they will be provided a seed funding of ₹25 lakhs. And other facilities also. And I hope आपको seed funding का मतलब पता है. मैंने आपको पहले भी बताया था, seed funding का मतलब होता है initial funding, जो initial stages पे दी जाती है उसको उसके लिए term use किया जाता है जिसका नाम होता है seed funding, right? And जिसका total outlay है guys, that is 95.03 crore over a period of 3 years. And ये कुछ areas हैं जिनको identify किया गया है for this challenge contest, like edutech, agritech and fintech solution for masses, supply chain, logistic and transportation management, infrastructure and remote monitoring, मेडिकल हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिंग एंड साइकोलॉजिकल केयर, जॉब्स एंड स्किलिंग, लिंग्विस्टिक टूल्स एंड टेक्नोलॉजी. सो काफी सारे एरियाज को इसके अंदर कवर किया गया है. एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन डी, चुनौती. ऑलराइट, ऑप्शन डी चुनौती इज द करेक्ट आंसर. एंड दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे. आई होप यू लाइक इट. फॉर मोर अपडेट्स टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.